चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे विकास की। लगभग 4 साल के कार्यकाल में आपने कहाँ तक विकास कर दिया है? जैसे जल नल हो गया है और काम चल रहा है उसमें, जल नल में, और नली गली बन गया है। नल जल में कितने परसेंट काम मैंने वो सब तो लग गया है, टंकी रखना है। बिल्कुल, उसका जो काम था जितना आपका नल जल का वो खत्म हो चुका है? नहीं, अभी 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद जी। कितने परसेंट अगर बात करें परसेंटेज, कितने परसेंट? 80% खत्म हो गया। 80% खत्म गया, बाकी 20% बाकी है। नली गली की क्या स्थिति है? नली गली बना हुआ है। कितने परसेंट काम हुए उसमें? तो 800 फीट नली बना है। नहीं, परसेंटेज की बात करें तो कितने प्रतिशत लगभग आपके जो है नली गली का वार्ड में काम हो चुका है? नली गली का मैंने 20% हो गया होगा। क्या कह रहा है कि 4 साल हो चुके हैं और 20% ही मतलब विकास हुआ है, 80% नहीं हो पाया है? पैसा का अभाव है, पैसा का अभाव है, जिला से पैसा नहीं आ रहा है। सभी वार्ड को मैंने जिला से पैसा नहीं मिला है, इसी के कारण जो कि मैंने हुआ नली गली। ऐसा तो कहीं नहीं है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे 80% कोई 90% किसी का पूरा काम ही कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका कहना है कि जिला से हमको पैसा, क्या क्या वजह है? जिला से पैसा नहीं आ रहा है ना, वहाँ से पैसा नहीं आने के कारण काम बाधित है थोड़ा। नहीं, कारण क्या है नहीं आने का? आपने पता नहीं लगाया अपने स्तर से? तो अब हम क्या पता लगाएंगे? जो मुखिया जी के खाता में पैसा आता है, सचिव जी के पैसा आता है उसमें, तो हम लोगों को तो बताते नहीं है कितना पैसा आया है। तो हम लोग को जो काटते हैं चेक, वही हम लोग लेकर चले आते हैं। एस्टीमेट वगैरह नहीं बनवाते हैं कि हमारा एस्टीमेट बना था तो एस्टीमेट के अनुसार वो काम हो गया है 800 फीट। अच्छा, और नल जल का एस्टीमेट है तो उसका काम मैंने हो रहा है। तो मैं आप बोल रहे हैं कि 20% मात्रा में काम हुआ है, तो वही 800 फीट तो काम हुआ है, तो क्या हम बोलेंगे? अच्छा, अभी तो बहुत सारा काम जो ऐसा है जो बाकी है आपके वार्ड में। हाँ, तो बहुत काम बाकी है, तो अब हम पैसा आएगा तो पैसा के लिए मैंने हम लोग नहीं काम कराए हैं। पैसे के अभाव के कारण आपने जी 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 बात करेंगे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 जो बहुत तेजी से पूरे विश्व में बढ़ रहा है, इतनी बदतर हालत है, आप लोग इससे निपटने के लिए किस तरह के अपने स्तर से व्यवस्था किए हैं? हम लोग अपने स्तर से मास्क बांटे हैं, साबुन बांटे हैं, जैसा जैसा मैंने सरकार का आदेश आता है वैसा वैसा हम लोग काम करते हैं। जागरूक भी किए हैं अपने वार्ड के लोग? जी जी, जागरूक किए हैं कि घर में भी रहिए, तो ऐसा लोग तो मैंने खेती बाड़ी का दिन है इसलिए लोग बाहर भी निकल रहे हैं। इधर क्या स्थिति है, इधर कोई पॉजिटिव पाया गया है? नहीं, इस इलाके में तो नहीं अभी पाया गया है, मतलबारी जंगल महल में कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया है, अभी सुरक्षित है यहाँ। हाँ, यहाँ सुरक्षित है। बात करेंगे बिहार की सबसे बड़ी समस्या राशन को लेकर के, जो कि बिहार में बहुत बड़ी समस्या है, राशन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपके वार्ड में क्या स्थिति है? सर, राशन के लिए तो सभी आदमी त्रस्त हैं, डीलर लोग कहते हैं कि नहीं देंगे, और जैसे मैंने वहाँ जाते हैं एमओ साहब के पास तो वहाँ से भी डांट फटकार करके लोग भेज देते हैं, बोलते हैं कि जाइए डीलर के पास, और जो 5 किलो अनाज मिलता है फ्री में वो तो मिलवे नहीं किया किसी को, जो दाल मिला है वो भी नहीं मिल रहा है। कौन डीलर है आपके वाटर? हमारे डीलर है ददन सिंह और श्री कुमार सिंह। मनमानी होती है उनके? एकदम डीलर का तो यहाँ पंचायत में पूरा मनमानी है, उत्तरवाली जंगल महल के पंचायत के जितने भी डीलर हैं, 6 ठो हैं, सभी का मनमानी है। आपने अपने स्तर पे कहाँ शिकायत किया है इसको? हमने तो अपने स्तर से दिए, एमओ के पास गए थे। क्या कहना है एमओ का? एमओ बोले कि जाइए डीलर से बात कीजिए, वहाँ आपका राशन चला गया है, यहाँ आप लोग आकर भीड़ लगा देते हैं। इसमें एमओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई हर जगह। आपके वार्ड में क्या स्थिति? नहीं, हमारे वहाँ में नहीं है। शौचालय की क्या स्थिति? शौचालय तो जब नीतीश सरकार जी जो यहाँ आए हुए थे 7 रोज की अथी थी यहाँ पे, वो इसी समय ODF हो गया था, किसी के घर में शौचालय बना, किसी के घर में शौचालय नहीं बना, आनंद फानंद में यहाँ सभी काम हो गया, ODF कर दिया गया इस पंचायत को, इसी पंचायत में ताकि आए हुए थे। कितने शौचालय बन चुके हैं आपके वार्ड में? हमारे गांव में तो शौचालय अपने स्तर से लोग बनाए हैं, हमको लग रहा है कि 80% शौचालय अपने स्तर से लोग बना लिए हैं। सभी का हो गया है? हाँ, सबका भुगतान वो उसका नहीं है, हम लोग गांव के आदमी बनवाए हैं, हमारे गांव के। अच्छा, आप लोग खुद से बनवाए हैं? जी जी। गवर्नमेंट की ओर से कोई नहीं? नहीं, नहीं।
किसी को भी नहीं? नहीं, कोई कोई को मिला है जो जैसा है। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम संतोष कुमार, वार्ड सदस्य, उत्तरवाली जंगल में है। कितने नंबर वार्ड? 3 नंबर वार्ड।